काफ़ी लोग हमारे पास में आते हैं कि उनको लिखने के समय हाथ कांपते हैं और वो लिख नहीं सकते। ताइए उसके बारे में आप बातचीत करते हैं आज। ये बीमारी का नाम है राइटर्स क्रैम और मुजिग्राफिया। तो आपका स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। विशेषता पुरुष वर्ग ज़्यादा आता है इसमें ये बीमारी लेके, कि उनको हाथ कांपते हैं और मतलब ट्रेमर्स है दोनों हाथ को ऐसा ऐसा, और फिर दूसरा लिखने के समय इतने कांपते हैं या इतना वो स्टिफ हो जाता है हाथ कि उनको एक लफ्ज़ भी लिखना मुश्किल हो जाता है। मतलब एकदम पूरा स्पाज़म में चले जाएंगे हाथ, ऐसा पूरा कड़क हो जाएगा और स्पाज़म, तो बिल्कुल ऐसा एक 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 शब्द उनके लिए लिखना बहुत कठिन हो जाता। फिर वो लिख सकते नहीं, वो सिग्नेचर नहीं कर सकते, तो फिर बैंक के लिए बहुत प्रॉब्लम आता है। जहाँ सिग्नेचर होना है, स्पेसिमेन सिग्नेचर जहाँ भी होना है वहाँ प्रॉब्लम आता है, और फिर वो तकलीफ काफ़ी सहन करना पड़ता है उनको। जितना ज़्यादा ख्याल गया उसके तरफ उतना ज़्यादा वो स्पाज़म में चले जाता है, अकड़ जाता है उतना, जितना ज़्यादा ख्याल जाएंगा उतना। तो ये एक तो फैमिलियल ट्रेमर से इसका डिफ्रेंसिएशन होना ज़रूरी है। फैमिलियल ट्रेमर अलग है कि जो फैमिलीज में है वैसे हाथ कांपते हैं, लिखने के समय भी हाथ कांपते हैं मगर वो स्पाज़म कड़क नहीं होता हाथ, तो वह फैमिलियल ट्रेमर। और दूसरा जो है वो ट्रेमर्स आते हैं घबराहट, एंग्जाइटी, उसकी वजह से वो एक प्रकार के ट्रेमर से हाथ कांपते हैं। और तीसरा है कि दवाइयाँ जो हम देते हैं साइकियाट्री में मनोरुग्ण के लिए, वो दवाइयों से भी हाथ कांपते हैं। तो हमको ये देखना पड़ता है कि दवाइयों से हाथ कांप रहे हैं कि एंग्जाइटी न्यूरोसिस है, एंग्जाइटी सिम्टम्स है उससे हाथ कांप रहे, या उसको फैमिलियल ट्रेमर से, या घबराया हुआ है, या फिर राइटर्स क्रैम्प है, हाथ कांप रहे और लिखने के समय स्पाज़म में जा रहे। अब इसका पक्का कोई इलाज नहीं है राइटर्स क्रैम का, उसके लिए देखना पड़ता है कि भाई रिलैक्सेशन ट्रीटमेंट हम कैसे दे सकें। लाइक उसके लिए हम बायोफीडबैक ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, बायोफीडबैक, फिर हाथ को कैसा रिलैक्स कर सकते हैं। मतलब मैंने काफ़ी पेशेंट अच्छे ठीक किए कि उनको मैं सेल्फ हिप्नोसिस का सेशन देता हूँ और उसमें बोलता हूँ कि आपका हाथ पूरा रिलैक्स हो चुका है, अभी आप हाथ में पेन पकड़ो, यहाँ से पूरा ढीला करो, जो एल्बो है यहाँ से पूरा एकदम पूरा ढीला करो, और फिर हाथ में पेन पकड़ के आराम आराम से लिखो और उसकी प्रैक्टिस करो। तो फिर वो धीरे 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 प्रैक्टिस करना चालू कर देते हैं पूरा हाथ रिलैक्स करके, और फिर उनको धीरे धीरे वो अच्छा हो जाते हैं। एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स जो है कि जिससे एंग्जाइटी कम होती है वो दवाई भी काम में आती है, और वो दवाई से भी उनको काफ़ी आराम पड़ता है, या फिर प्रोप्रानोलॉल जो दवाई है जिससे ट्रेमर्स कम हो जाते हैं वो भी काम में आती है। तो ऐसी ही दवाइयाँ, साइकोथेरेपी, रिलैक्सेशन थेरेपी और फिर बायोफीडबैक, ऐसा इस्तेमाल करके राइटर्स क्रैम पूरा अच्छा हो सकता है। इसकी दवाई लेना ज़रूरी है, इसका इलाज करना ज़रूरी है, लोगों की तकलीफ कम हो सकती है। तो ये आपके संपर्क में किसी को होगा तो ज़रूर उनको बताइएगा। ये वीडियो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हमारा जो मिशन है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। हमारे पास में रिलेटिव्स पेशेंट को लेके आते हैं, रिलेटिव के साथ में हम पेशेंट को रखते हैं, रिश्तेदारों के अलावा हम पेशेंट को भर्ती करते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन हम करते हैं। आपको कुछ लगा तो कभी भी हमारे से संपर्क कीजिएगा, नीचे नंबर दिए हुए उसके ऊपर। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।